नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। भाई आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं टाटा टियागो में मेरे से एक चोट हो गई और वो मुझे थोड़ी बड़ी सी गलती लग रही है क्योंकि जिस हिसाब से वो है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको मतलब देखने को भी मिलेगा इस वीडियो में कि आपको मतलब अगर कभी मौका आए तो वैसा नहीं करना है। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, अदरवाइज़ दिक्कतें आपके साथ भी हो सकती। तो क्या है समस्या, क्या उसका सॉल्यूशन निकल पा रहा है और क्या आपको नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊँगा। वैसे आपको थंबनेल और टाइटल से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग गया है तो वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा आगे का बोनट और फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का टाटा टियागो के अंदर बोनट आता है। और जो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ वो समस्या है एक्चुअली यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक सा कुछ यहाँ पर लगा हुआ है और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये येलो येलो सा। एक्चुअली ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इंजन के अंदर, ये क्लच से रिलेटेड कुछ है। जब अपन क्लच दबाते हैं तो ये जो है पूरा का पूरा ऐसा हो जाता है और जो क्लच है ये इंगेज हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, एक्चुअली इसकी कहानी ऐसी है, गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक दूसरी डीजल कार की बैटरी मैंने यहाँ पर लगाई थी। अब ये वायर छोटी पड़ रही थी और मेरे पास जंप वायर थी नहीं, तो उसके लिए डायरेक्ट बैटरी को यहाँ प्लेस करने की कोशिश करी। और डीजल कार की बैटरीज में क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पर ये छेद दिख रहे हैं, ये जो आपको नट दिख रहे हैं इनमें होता है छेद, जिससे कि अगर बैटरी को आप थोड़ी बहुत भी तिरछी करो तो पानी जो है बैटरी का डिस्टिल वाटर रहता है उसमें, एक तरीके का एसिडी होता है, वो होने लगता है भाई लीक। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गिर गया। वैसे मुझे पता था कि ये दिक्कत करेगा क्योंकि यार जिस कपड़े से उसे साफ़ कर रहे थे या जो कुछ कर रहे थे उससे भी मतलब उसको भी इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था और बदबू बहुत भयंकर आती है इसमें से। तो मैंने तुरंत इसे हटाया, कपड़े से जितना कोशिश हो सका उतना मैंने वहाँ पर इंस्टेंटली साफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो पानी है डिस्टिल वाटर है बैटरी का वो नीचे चला गया और नीचे पूरा इंजन तक चला गया। यहाँ पर आप थोड़ी सी जो कैविटी है वो देख पा रहे होंगे, वहाँ पर जमा हो गया। तो इसे मतलब कि जब गिरा तब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा मतलब नुकसान करेगा, क्योंकि उस समय तक तो केवल नॉर्मल फ्लूड जैसा ही ये लग रहा था। तो मैंने उसे साफ़ कर दिया जितना हो सका और उसको ध्यान नहीं दिया, फिर अपनी जो बैटरी है उसे नॉर्मल वापस यहाँ पर लगा दिया, एज इट इज़ हो गया। अब उस कांड को हुए लगभग हो गए हैं एक महीने से भी ऊपर हो गया होगा। और अब मैंने इसमें मतलब एक दिन में वीडियो बना रहा था इस फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर, तब नोटिस किया यार भाई ये बहुत मतलब ज़्यादा डे बाय डे यहाँ पर तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे रस्टिंग हो गई हो या क्या है एक्चुअली, ये मेरे को भी पता नहीं चल रहा। यहाँ पर ये स्टील का है थोड़ा सा और इस पर जब ये गिरा तो यहाँ पर इसने ब्लैक कर दिया और ये नीचे ये एल्यूमिनियम सा मटेरियल है इंजन का क्लच का और इसको इसने थोड़ा जंग सा नहीं लग जाता वैसा कर दिया। तो भाई बड़ा बेकार सा लग रहा है, मतलब नई गाड़ी में ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है अभी मेरी गाड़ी, और नई हो चाहे पुरानी हो अपनी गाड़ी में कुछ भी दिक्कत होती है सबको बेकार लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ देखो अपनी तरफ से क्या क्या सॉल्यूशन। सबसे पहले तो भाई गाड़ी में कुछ भी समस्या हो ना, मैं बिना देरी किए सबसे पहले तो जो ऑफिशियल वर्क होता है टाटा का जो सर्विस सेंटर है उनसे संपर्क करता हूँ जो भी हो गाड़ी में, क्योंकि उनसे अच्छी एडवाइस, कंपनी से अच्छी एडवाइस गाड़ी को कोई नहीं दे सकता। उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी गाड़ी को कोई नहीं जान सकता, चाहे वो बाहर का मैकेनिक हो चाहे कोई भी हो। तो मेरा ये मानना है क्योंकि कंपनी का काम बेस्ट होता है। तो मैंने उनसे पूछा भैया ऐसी ऐसी समस्या हो गई कॉल पर, तो उनने मुझे बताया कि भाई समस्या हम समझ गए हैं लेकिन आपको एक बार गाड़ी दिखाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर में, तब हम आपको बता पाएंगे कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है। सो समय जैसे ही मिलता है गाड़ी को लेकर के मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो तो ये वाली बात हो गई यार, मतलब क्या समस्या हो रही है, इसका क्या इलाज हो सकता था, ये चीज़ तो थोड़ा सा फ़ोन पर भी बता सकते हैं, लेकिन अब उन्हें बुलाना ही है। तो ये टाटा की सर्विस है, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप टाटा की गाड़ी ऑन करते हो तो टाटा के सर्विस सेंटर्स के साथ आपको
जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इसी तरीके का मिलेगा, एकदम टॉप लेवल का नहीं मिलेगा कि तुरंत आपने प्रॉब्लम बताई और तुरंत वो सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, माना कि प्रॉब्लम सर्विस सेंटर पे जाने के बाद ही सुधरी, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हैं कि सर इसमें ये कोटिंग होगी या ये होगा, इस चीज़ से ये रिएक्शन हो गया है तो आपको इतना खर्चा आएगा, या कुछ भी ये कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि भाई बैटरी का जो वाटर होता है ये डिस्टिल वाटर, ये क्या रिएक्शन करता है, क्या मतलब इसका वो होता है। तो बताया जा रहा है कि ये एक एसिड है और ये जैसे नॉर्मल एसिड रिएक्ट करते हैं वैसे ही ये रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, और मेटल को ये धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। अब एसिड का इलाज होता है बेस, और बेस होता है कोई साबुन वाबुन में या फिर आपके किचन में जो एक सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसे बोला जाता है वो होता है। तो उन वहाँ पर मतलब दो तीन मैंने कोरा पर आर्टिकल्स पढ़े, उसमें बताया कि आपके जो किचन में सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका पेस्ट बना करके आप यहाँ पर साफ़ करो, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से या जो भी आपका सॉल्यूशन आता है गाड़ी धोने का उससे इसे साफ़ कर दो, थोड़े दिन में ये हट जाएगा, फिर उसको पेंट वगैरह कर दो, ऐसा करके बता रहे हैं। फिलहाल तो अभी मैंने देखा है, और मैं आप लोगों को मैंने सोचा कि कोई भी भाई अगर मतलब बैटरी वगैरह से निकाले और ये वाली मिस्टेक हो जाती है तो ये कितना बेकार हो सकता है, ये आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। अब मैं इस पर अप्लाई करके देखूँगा सोडियम बाइकार्बोनेट और ये जो भी है वो, और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो जंग सा लग गया है ये तो अभी हटने वाला नहीं है, इसके लिए तो सीधा पेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन अब ये आगे रिएक्ट ना करे, आगे कुछ दिक्कत ना करे, उसके लिए मुझे इसका कुछ आगे का इलाज करना है। अगर इसका कुछ सॉल्यूशन होता है, अगर इसका कुछ सर्विस सेंटर वाले कुछ इलाज बताते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा क्या इलाज बताने वाले हैं, क्या इसमें समस्या है। बाकी गाड़ी में छोटी मोटी जो समस्या हैं वो होती रहती हैं, और इस गाड़ी की होने वाली है फोर्थ सर्विस बहुत जल्दी, मतलब अगर 10-15 दिन के अंदर ही मैं इसकी फोर्थ सर्विस कराने जाने वाला हूँ। तो कैसा क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहता है, कैसा टाटा ट्रीट करते हैं, कितना मुझे खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में, और एक वीडियो मैंने बना रखी है इसके रेटलिंग नॉइज़ के ऊपर, वो भी मुझे वहीं पर बताना है। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करूँगा, और वीडियो वो जो आएगी वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी और हाँ, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको शो हो रहा होगा पॉपअप, वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही गाड़ियों के साथ, या कुछ हंसी मजाक सा थोड़ा सा चलता रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इतना ही था इस वाले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।